हाय, इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी के बारे में, और इंग्लिश वोकैबुलरी के मीनिंग्स कुछ हम आपके साथ लगातार शेयर करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से, जिससे हम और आप दोनों मिलकर इंग्लिश वोकैबुलरी, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। और बहुत ही एम है हमारा, तुम्हारा एम है, हमारा भी एम है, आपका भी, कि इंग्लिश को हमें फर्राटेदार सीखना है। तो प्लीज़ हम इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टू द मिस पर डालेंगे। हम लगातार कुछ मीनिंग्स के वीडियोस बनाएंगे, हम लगातार कुछ मीनिंग्स के बारे में बात करते रहेंगे, हम लगातार प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस सेशन आपके साथ शेयर करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। और आज जो हमने दो मीनिंग निकाली हैं सीखने के लिए, फटाफट उनको सीख लेते हैं, ताकि हम लगातार अपनी इंग्लिश बोलने की प्रतिभा जो हमें प्राप्त करनी है उस पर लगातार हम काम कर सकें और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर बना सकें। हिंदी हम लोग बोलते हैं, हिंदी हमें सिखाई जाती है, हम हिंदी को बहुत ही सहजता से बोल लेते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में, आजकल के करियर में हमें इंग्लिश बोलनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे करियर में तब तक की चढ़ाव नहीं आ रहा है, तब तक ये सुधार नहीं आ रहा है जब तक कि हमें इंग्लिश अच्छे से ना आती हो, हम इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेशन ना कर पाते हो। सो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है शोएब और आप देख रहे हैं एग्जाम टू द मिस यूट्यूब चैनल। सो आज जो मीनिंग हमने दो सीखने के लिए निकाली है, सबसे फर्स्ट मीनिंग है कोऑपरेट। कोऑपरेट का मतलब होता है सहयोग देना, और बहुत ही सिंपल मीनिंग है वो। अगर किसी को बोले हम कि वो बंदा कोऑपरेटिव नेचर का, सो ही इज़ ए कोऑपरेटिव गाय, यानी कि वो सहयोग दे देता है, वो किसी भी काम में सहायता कर देता है आपकी या किसी और की। सो ही इज़ ए नाइस कोऑपरेटिव गाय। सो आप ये वाक्य बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट मीनिंग है, आप ही कोऑपरेटिव या कोऑपरेट का इस्तेमाल करके हमारे कमेंट बॉक्स में वाक्य बनाकर डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी एक पर्टिकुलर शब्द को लेकर। तो कोऑपरेट की स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए, COOPERATE। कोऑपरेट का मतलब सहयोग देना। जो नेक्स्ट मीनिंग आज सीखने के लिए निकाली है वो है इंसिपिड, INSIPID। इंसिपिड का मतलब होता है गाइस, इंसिपिड का मतलब होता है अरुचिकर, स्वादहीन, फ्लेवरलेस, जिसमें कोई स्वाद ना हो, मज़ा नहीं आए जिसमें, उसको हम बोलते हैं इंसिपिड। सो टुडे माय फूड इज़ इंसिपिड एंड डिसगस्टिंग। सो ये वाक्य आप बोल सकते हैं, फूड वाज नॉट गुड, दैट इज़ इंसिपिड इन नेचर। मैं और आप दोनों एक साथ मिलकर इंग्लिश पर काम करेंगे, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। सो प्लीज़ इन वीडियोस के माध्यम से हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार आपको मीनिंग उपलब्ध कराएंगे और लगातार प्रैक्टिस करते जाएंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस चैनल पे आपको बोर्ड्स से रिलेटेड भी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इन सब के बारे में तो चीज़ें पता चलती ही रहेंगी, और साथ साथ मीनिंग्स की नॉलेज और इंग्लिश सुधारने की नॉलेज भी आपको मिलती रहेगी। हम भी सुधारें, आप भी सुधारें, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।